जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स भी काफ़ी बच्चे को देख चुका हूँ ITBP 7000 वैकेंसी को लेकर। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं इसका नोटिस या कहीं ना कहीं वीडियो देखा होगा जिसमें यह बताया जा रहा है कि ITBP में 7000 पदों की वैकेंसी आ रही है कॉन्स्टेबल GD के लिए और ITBP की 7 बटालियन नई बटालियन की पोस्टेड, ऐसा कुछ एक अखबार का शॉर्ट नोटिस भी दिखा रहे हैं काफ़ी सारे यूट्यूबर। तो बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर आप बताइए इसकी वास्तविकता क्या है, क्या सच में 7000 पोस्ट की ITBP में अलग से वैकेंसी आ रही है, क्या इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि वो पेपर नोटिस भी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की नोटिस या कोई ना कोई छोटा मोटा नोटिस देख के आपके दिल में भी एक विश्वास आ जाता है कि फिर तो पक्का ही होगा आ रही है। और जो बच्चे मेरे को जानते हैं उनको पता है कि अगर यहाँ पे पूछेंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया आ रही है तो आ रही है, नहीं तो नहीं आ रही, क्योंकि झूठ फ्रेब वाला काम नहीं, हमको ज़्यादा व्यू की ज़रूरत नहीं, जितने लोग देख रहे हैं वो सही चीज़ देखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जितने भी लोग कोई भी अगर किसी भी बात को मैंने आज तक एडवाइस दी है, कुछ भी चीज़ बताइए तो वो आपके भले के लिए बताइए, बाकी बताने को नई नई वैकेंसी हर रोज़ पैदा कर सकता है, जैसे बहुत सारे लोग पैदा कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे पे विश्वास करते हैं वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं या DM करके इंस्टाग्राम पे मेरे को बोलते हैं कि सर क्या सच में 7000 या ITBP की वैकेंसी है, या हर एक वैकेंसी के बारे में पूछते रहते हैं, जो होती है मैं यस बोल देता हूँ। लेकिन ये काफ़ी वायरल हो रहा है अभी ITBP वाली कि क्या ITBP की वैकेंसी है 7000 पोस्ट की। तो दोस्तों सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी, चाहे ITBP की 7000 पोस्ट की वैकेंसी आए चाहे 10000 पोस्ट की वैकेंसी आए, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ना कैसे पड़ेगा, पढ़ना अगर इस मान लो पढ़ने के लिए आपके पास में मटेरियल होना चाहिए, और वो ITBP की 7000 की जो पोस्ट की वैकेंसी है ना वो SSC GD के थ्रू ही होनी है, अलग से वैकेंसी नहीं होनी है, ठीक है। अब वो कैसे होगी उसके बारे में बताऊँ तो SSC GD की आप तैयारी कर रहे होंगे और या नहीं किए तो कर दीजिए दोस्तों, और उसके लिए मैं काफ़ी बच्चों को एक बुक, मेरे से काफ़ी पूछते भी और जो नए जुड़े उनको भी बता दूँ, ये बुक है शानदार मॉडल पेपर की SSC GD के लिए, और काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर दिए हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन की भी बुक है, लेकिन इसमें मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे मॉडल पेपर दिए हैं जिसको आप परचेज कर सकते हो अमेजन से, बेस्ट सेलर भी हो रखी है, काफ़ी अच्छी बुक है, ताकि आपको सिलेबस का भी नॉलेज होगा और आपकी तैयारी में भी 4 चांद लगा देगी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं परचेज किया तो कर लीजिए। अब बच्चे बोलते हैं कि सर 7000 पोस्ट की वैकेंसी फिर SSC GD में कैसे होगी, दोस्तों वो जो नोटिस है वो एक अखबार का सो टुकड़ा, उसमें लिखा हुआ है ITBP की 7 बटालियन और गठित होगी। अब इन्होंने यूट्यूबरों ने कुछ ऐसे ये पैदा कर दिया अपने मन से, 7 बटालियन का मतलब 7000, क्यों, इनको इतना तो पता है 1 बटालियन में 1028 समथिंग जवान होते हैं, तो 7 बटालियन में समथिंग 7000 जवान हो गए, ये इनका मन के। लेकिन अलग से आप सभी को पता है चाहे BSF हो चाहे ITBP हो SSB असम राइफल, इन सभी फोर्सेस में अलग से वैकेंसी होना बिल्कुल बंद हो गया है, इनमें जितनी भी वैकेंसी होती है वो कराता है SSC GD, तो SSC GD के थ्रू ये वैकेंसी होनी है, ITBP की अलग से कोई भी वैकेंसी नहीं होनी है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें ITBP की अलग से कोई वैकेंसी नहीं है, फालतू के नोटिस है, फालतू ड्रामा है। अगर ITBP जैसे SSC GD के भी जैसे पोस्ट आएगी 60000 या 65000 या 70000 या 50000, तो उसमें ITBP की भी पोस्ट एक कमांड रहेगी और उसी में से वो निकलेगी, और 7000 जैसे 7 बटालियन नहीं बनेगी तो एक साथ 7 बटालियन नहीं भी नहीं बनेगी, उसमें 1-2 साल का समय लग जाएगा, मतलब 1-2 बैच और आएंगे, एक साथ ही 7-7 बटालियन गठित नहीं होती, ठीक है। तो ये केवल न्यूज़ है कि हाँ भाई, और हर एक बटालियन अपनी क्राइटेरिया बढ़ाती है, हर साल कोई ना कोई बटालियन बोलती है अपनी 5 बटालियन चाहिए 10 बटालियन चाहिए, तो वो एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे समय लगता है और धीरे धीरे बनती है। लेकिन मेन सो बात की बात ये है कि अलग से ITBP की कोई वैकेंसी नहीं होगी, अलग से केवल SCM की वैकेंसी होती है और पैरा मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी होती है, इसके अलावा बाकी जितने भी GD कॉन्स्टेबल और CPSI की जो भी वैकेंसी होती है वो SSC के द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो SSC GD की तैयारी कर लीजिए, उसी में आपकी ITBP की भी हो जाएगी और उसी के द्वारा आप माध्यम से लगोगे दोस्तों, बाकी ये नोटिस झूठे हैं। जय हिंद।